पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए आउटलाइन आना बहुत ज़रूरी है। सिंपल आउटलाइन कैसे बना सकते हैं एक सिंपल जियोमेट्री से, तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि एक सीधी लाइन मैंने ली है जिससे कि आपको पता चले कि पोर्ट्रेट किस मोड में है। सेम हमें वही चीज़ करना है अपने पेपर पे फिर से हम लोगों ने उसको एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन लिया और हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के बाद हमें क्या होगा कि एक मेजरमेंट लेना पड़ेगा। जो भी साइज़ का आपका आई है, जितना गैप है, वो सब गैप जो है वो सेम हमें उतारना है कहाँ पे, अपने बुक में जहाँ पे हम ड्राइंग करने वाले हैं। तो ये जो एक सिंपल मैंने आपको मेथड बताया जिससे कि आप कोई भी एक पोर्ट्रेट को आप आउटलाइन बना सकते हो कम से कम टाइम में, और बहुत ज़्यादा आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। बिना ग्राफ के एक आप फ्री हैंड ड्राइंग बना सकते हो यहाँ पे, कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक सिंपल जियोमेट्री जो कि एक प्लस का साइन है, जिससे आपको पता चलता है कि किस तरीके का जो हमारा जो पोर्ट्रेट है, रेफरेंस है, वो किस स्टेज पे है, किस एंगल पे है। वो एंगल सिंपल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद हमें अब करना चाहिए कि हमें मेज़रमेंट मिल गया। मेज़रमेंट मिलना ही सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, और वो हमारा जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होता है वो हमने पार कर लिया। और यहाँ पे अब आप कितना डिटेल दे सकते हो, तो आप जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप मोबाइल पे भी बना सकते हो। अगर आपने मोबाइल का साइज होता है छोटा होता है तो आप डबल साइज़ का लेके आप बना सकते हो, जो कि मैंने कई सारे ट्यूटोरियल में बता चुका हूं। अगर आप देखना चाहते हो उसको तो आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपको वहां पे वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि मैंने सेम साइज़ का ये आईपैड पे मैंने लिया यहाँ पे। और अगर आप चाहते हैं तो अगर आपके पास कोई टैबलेट नहीं है, आईपैड नहीं है, तो उसके लिए सोल्यूशन ये है कि सेम साइज़ का आप प्रिंट आउट ले लीजिए, A4 साइज़ का ले सकते हैं, और वहाँ पे आप बनाना स्टार्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं तो एक सिंपल एक मार्कर से भी आप रेफरेंस में ड्रॉ करके आप स्केल का हेल्प ले सकते हैं, और उसके थ्रू आप बना सकते हैं अपने ड्राइंग पेपर पे। तो जो मैं अभी थोड़े बहुत जो आउटलाइन है ना वो कर रहा हूँ मैं, और ये जो है अभी फिक्स नहीं है। जब आप उसको फाइनल करने जाइएगा, क्योंकि ये जो मैं कर रहा हूँ अभी रफ़ वर्क कर रहा हूँ, और रफ़ वर्क जैसे जैसे डेवलप होगा उस तरीके से हम लोग उसको फाइनल वर्क करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल मेथड से आपको मैंने बता दिया कि अब आपको फॉलो करना है वो लाइन। आपके लिए ये जो प्लस का जो साइन है वो एक रेफरेंस लाइन है कि जो भी हम आई बना रहे हैं, आई बॉल बना रहे हैं, वो उससे कितना डिस्टेंस पे है, इसके ऊपर है, वो चीज़ों को आपको देखना है। अब क्या होता है ना कि एक ऑब्जर्वेशन भी चीज़ें होती हैं, आपको धीरे धीरे ये जो मेथड है ये बनाने से क्या होगा ना कि आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा। इससे पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना डिस्टेंस होता है। अगर ये फेस का हमारा जो एंगल है वो फ्रंट है या फिर साइड है या फिर 3/4 है, जैसे यहाँ पे अभी 3/4 है, तो यहाँ पे एक्चुअल में हमें पता चलेगा कि जो राइट आई है उसका साइज़ बड़ा है और लेफ्ट आई का थोड़ा छोटा है, क्योंकि पर्सपेक्टिव में। अब नोज़ का भी हम लोगों ने सेम वही मेथड से उसको मेज़रमेंट लिया। मेज़रमेंट कभी कभी आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने स्केल से नहीं लिया है, हम लोगों ने लिया है पेंसिल से। तो अब ये जो रफ़ आउटलाइन है उसको बाद में भी हम लोग मेज़र करके वापस से हम लोग थोड़ा चेक कर सकते हैं। तो सेम मेथड मैंने यहाँ पे कर लिया। अभी जितने भी आप स्टेज पे हो उस स्टेज पे आप थोड़े थोड़े मेज़रमेंट लेके कर सकते हो वहाँ पे, क्योंकि जितना आप मेज़रमेंट लीजिएगा वो आपका और ज़्यादा परफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर आप फ्री हैंड बनाते हो 70 to 80% बहुत सही स्कोर है अगर आपने अचीव कर लिया आउटलाइन स्टेज पे। धीरे धीरे जब भी हम फाइनल की तरफ जाते हैं, शेडिंग स्टार्ट करते हैं, तो बहुत कुछ चेंजेस होते हैं, क्योंकि आउटलाइन का मेथड ये है ना कि जब भी आपने एक रफ़ आउटलाइन, एक क्विक आउटलाइन कंप्लीट कर लिया ना, तो आपको ना छोड़ देना है। कुछ 10 मिनट का रेस्ट करना है। आप कहीं से भी जाइए, कुछ भी करके आइए, या YouTube पे देख लीजिए या कहीं पे आप रिफ़्रेशमेंट लेके आइए, और 10 से 15 मिनट के बाद जब आप आते हैं तो उसमें ना आपको करेक्शंस दिखते हैं। आपको पता चलता है कि यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक है, कहाँ पे जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस में कहाँ कुछ कमी रह गई है, तो वो कमी जो है हम लोग उस स्टेज पे पूरा कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको जाने के लिए पहले उसको कंप्लीट करना पड़ता है, बीट करना पड़ता है। और मैंने कई लोगों को देखा ना कि आप अगर वो ग्राफ से भी बनाते हैं ना तो भी मिस्टेक्स हो जाते हैं। क्यों होता है मिस्टेक्स? मिस्टेक्स इसलिए होते हैं कि आप जो रेफरेंस जो है उसको आप छोड़ देते हो, और आप डायरेक्ट, आपको लगता है कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ या सही जा रही हूँ मैं, तो डायरेक्ट आप उसको रेफरेंस लाइन को फॉलो नहीं करते। जब आप रेफरेंस लाइन से भटक जाओगे तो आपका जो स्केच है वो आपसे भटक जाएगा, यानी कि वो जो परफेक्शन है वो कहीं ना कहीं से कम हो जाएगा। तो वो चीज़ों को आपको पकड़ के रखना है। जैसे कि ये जो यहाँ पे मेरे लिए रेफरेंस लाइन तो दो ही हैं, एक जो वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो आपको मेज़र करते रहना पड़ेगा कि हाँ जो भी मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ या कर रही हूँ मैं, तो वो लाइन से रेफरेंस में जो हमारा जो रेफरेंस इमेज है उसमें कितना डिस्टेंस है, अगर मैंने लिया है तो कितना डिस्टेंस लिया है। जैसे ये आप देख रहे हो चिक का पार्ट, तो वो पार्ट को ना आपको रेगुलर चेक करता रहना पड़ेगा। आपको अगर लगता है कि ये कम या ज़्यादा, कभी कभी क्या होता है ना कि हम ऑब्जर्व भी करते हैं ना, तो हमें लगता है कि हाँ मैंने ड्रॉ तो कर लिया लेकिन वो ज़्यादा दिख रहा है, तो कभी कभी सही रहता है। क्योंकि क्या होता है ना कि अभी शेडिंग नहीं हुई है और आप जब रेफरेंस लेते हो जो कि आपको एक रियल पिक है तो वहाँ पे ना शेडिंग ऑलरेडी है, तो जो अकॉर्डिंग टू लाइट, तो हमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसके लिए कन्फ्यूजन को दूर कर लेना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप गलत बढ़ने से अच्छा है ना कि आप वहीं पे रुक जाइए और उसको रीचेक कीजिए। रीचेक करके आप उसको, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों को मैंने देखा है चिन पार्ट और ये जो फोरहेड पार्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग, क्योंकि वहाँ पे उनको लगता है कि हमने तो आई का, नोज़ का, लिप्स का स्टेज जो है वो क्रॉस कर लिया, तो ये उतना इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है। तो वो लोग रफली कुछ भी ड्रॉ कर लेते हैं बिना रेफरेंस के देखे हुए, लेकिन हमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो चिन का पार्ट और फोरहेड का पार्ट, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ सबका कि वो स्टेज पे वो लोग कहाँ तक गलत किया है या फिर सही किया है। तो कुछ ये जो मेथड आपको करने के बाद ना आपको फिर कभी भी, मुझे लगता है कि अगर आप 5-6 अगर आउटलाइन भी अगर आप लोग कर लेते हो, पोर्ट्रेट बना लेते हो, तो हमेशा आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको ऑब्जर्वेशन जो है ना वो बढ़ जाती है आपको, क्योंकि रेगुलर देखते हो ना कि वो लाइन से आपने कहाँ भेजा है और कितना डिस्टेंस आपने लिया है, तो देख के भी लगता है कि हाँ वो मैंने परफेक्ट बनाया है। तो ये आउटलाइन का ट्यूटोरियल है, बहुत जल्दी ही शेडिंग का भी ट्यूटोरियल लेके आऊँगा मैं, और ये बनाने वाला हूँ मैं ग्रेफाइट पेंसिल से, क्योंकि लेयर पे आपको बनाने वाला हूँ। और यहाँ पे अभी आउटलाइन जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और आउटलाइन कंप्लीट हो जाने के बाद हम इसको थोड़ा करने वाले हैं डार्क लाइन, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो हमें जितना भी रेफरेंस लाइन हम लोगों ने लिया वो हम लोगों ने इरेज़ कर लिया। इरेज़ करने के बाद मैंने यूज़ किया है मैकेनिकल पेंसिल, आप भी कोई HB पेंसिल या फिर आप 2B पेंसिल का आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो वेल शार्पन होना चाहिए। और कुछ हल्के फुल्के मैं डिटेल करूँगा, जैसे कि लाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे शेडो कैसे आ रही है, डिटेल कैसे हैं, तो वो हल्के फुल्के जो डिटेल्स हैं ना वो आप डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हो यहाँ पे, क्योंकि हल्के फुल्के मैंने किए। और क्योंकि एक जब भी हम आउटलाइन भी बनाते हैं ना तो आउटलाइन भी थोड़ा परफेक्ट होना चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे हल्के से मैंने सोचा कि शेड कर देता हूँ। और ये शेड कर देने से बेनिफिट क्या होगा ना, जब शेडिंग करूँगा ना तो ये हेल्प करेगा। और इसको अगर आप टिश्यू पेपर से के यूज़ से अगर आप ब्लेंड करते हो तो एक अच्छा सा प्राइमरी लेयर आपको मिल जाएगा, जो स्किन का जो टोन होता है ना वो आपको मिल जाएगा। ये बताने का मेरा मकसद यही है कि देख रहे हो कि जब रेफरेंस में आप देख रहे हो ना वहाँ पर कितना ज़्यादा डार्कनेस है, और वो जो हम शेडिंग का पार्ट हम लेके आएंगे ना तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि ग्रेफाइट पेंसिल से कैसे अचीव करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना चारकोल पेंसिल में अचीव करना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसकी डार्कनेस बहुत ज़्यादा होती है और वो सबसे बड़ी बात है कि वो मैट फिनिश होता है। और यहाँ पे क्या है ना ये बहुत शाइनी होता है, तो कभी कभी लाइट के कारण आपको नहीं लगता है कि आप उस लेवल तक या फिर उस डार्कनेस के लेवल तक पहुँच पाए हैं या नहीं पहुँच पाएँ। तो ग्रेफाइट पेंसिल में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, वो डिफ़िकल्टी पार्ट जो है वो मैं आप लोगों के लिए ईजी करूँगा। अब हम स्टार्ट करेंगे शेडिंग एंड ब्लेंडिंग। तो यहाँ पे अभी हम लोग करने वाले हैं इसको ब्लेंड टिश्यू पेपर से ही, और पेपर हम लोगों ने यूज़ किया है ब्रूस्टो का 200 GSM। मोस्टली मैंने 200 GSM यूज़ किए हैं हाइपर रियलिस्टिक या फिर रियलिस्टिक स्केचेस के लिए। तो यहाँ पे जितने भी मैंने बनाए ना, जितना भी आउटलाइन किया है ना, सबको मैंने कर दिया ब्लेंड। तो ये एक तरीके से आपके लिए हो गया है प्राइमरी लेयर, बेसिक लेयर। तो यहाँ पे मैंने पेंसिल ली है एकदम बेसिक आउटलाइन की पेंसिल, जिसमें आप जितने लेयर्स हैं ना, जितने आप लेयरिंग करते हो, लेयरिंग में शेडिंग करते हो, तो यहाँ पे सारे पेंसिल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। जनरली क्या होता है ना कि हम लोग एक पेंसिल लेते हैं 4B या 2B, सारा स्केच उसी से कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं कुछ, जैसे सबसे पहला मैंने जो लेयर लिया है वो है 2B का लेयर। 2B का लेयर मीन्स कि इसकी जो डार्कनेस होगी कम होगी, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप शेडिंग करते हो ना तो कुछ करेक्शंस होते हैं, तो बेसिक लेयर में अगर आप कर लोगे ना तो ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे आपको जो डार्कनेस है ना, अभी क्या है ना कि हमारे पास रेफरेंस है। एक अच्छी बात यह है कि रेफरेंस सामने रहने पे ना आपको जो एक डार्कनेस और ब्राइटनेस की वैल्यू जो है वो आपको मिलती है वहाँ पे देखने को। तो यहाँ पे हो गई है शेडिंग, अब करेंगे हम लोग ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग के लिए टिश्यू पेपर से बेटर और क्या हो सकता है। तो इसको मैंने एक टेक्निक यूज़ किया है, जैसे कि आप कोन बना के उसको आप पेपर स्टैम्प की तरह यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है टिश्यू पेपर को ही, और एक जो सेकेंडरी लेयर जो है वो हम लोगों ने इस्टेब्लिश कर दिया है 2B पेंसिल से। और इसका पहला जो प्राइमरी लेयर था मैंने हम लोगों ने किया था मैकेनिकल पेंसिल से, और यहाँ पे कर दिया है ब्लेंड। अब जैसे जैसे हम लोग स्केचिंग करते हैं ना, तो इसको हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे अब ये जो लेयर है ये हम बनाने वाले हैं 4B से, तो अभी डार्कनेस आपको ज़्यादा मिलेगी। और यहाँ पे जैसे रेफरेंस पे दे रहे हो, जब तक हम लोग उस लेवल तक नहीं पहुँच जाते जिस लेवल तक अभी आप देख रहे हो कि आउटपुट है, रेफरेंस है हमारा। और ये जो रेफरेंस है मैंने लिया है वो है लाइव रेफरेंस। ये एक कलर पोर्ट्रेट है जिसको मैंने कन्वर्ट किया है ब्लैक एंड वाइट में। आप या तो मोबाइल पे भी कर सकते हैं, या फिर आप पीसी में भी लेके जा सकते हैं, लैपटॉप में भी कर सकते हैं, तो आपकी कन्वीनियंस जैसे जिसमें ज़्यादा है। और यहाँ पे हो गई है बात डार्कनेस की, तो यहाँ पे आप 6B की पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर आप 4B की पेंसिल भी रिपीट कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने आपको हमेशा ही बताता हूँ कि बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से करना है आपको, शेडिंग भी करना है और ब्लेंडिंग भी। तो जब तक आपको नहीं आ जाता है उस तरीके से, क्योंकि अभी क्या है ना, टिश्यू पेपर से हम ब्लेंड करते हैं ना, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं ना, जो ग्रेफाइट पेंसिल के हो या फिर चारकोल पेंसिल के, वो निकल आते हैं टिश्यू पेपर के साथ चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है हमें, चारकोल पेंसिल में तो हमें लेयरिंग सिस्टम नहीं कर सकते, लेकिन ग्रेफाइट पेंसिल में हमें वो फ्रीडम मिलता है कि हम लोग, क्योंकि 12B तक पेंसिल हमारे पास है। और यहाँ पर हम लोग जो पेंसिल यूज़ किया है वो है आर्ट लाइन की पेंसिल, जिसमें आपको डार्केस्ट पेंसिल जो है वो 10B है, तो 10B तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मेकअप ब्रश यूज़ करेंगे यहाँ पे। मेकअप ब्रश इसमें एक बड़े ब्रिसल वाले हैं, जहाँ पे आपको ब्लेंड करने में ज़्यादा आसानी होती है, जैसे कि आप सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट लुक जो होता है ना वो आ जाता है। जैसे आप जनरली हम लोग क्या करते हैं ना कि डार्क करते हैं, ब्राइट करते हैं, तो ये क्या करता है एकदम सटल कर देता है, डार्क को थोड़ा सा ब्लेंड कर देता है और ब्राइट को भी थोड़ा ब्लेंड कर देता है, जिससे क्या होता है ना कि एकदम सॉफ्ट लुक आ जाता है। फिर बाद में हमें थोड़ी सी इंडिपेंडेंसी मिल जाती है, हमें थोड़ी सी मिल जाती है, जिससे कि हम लोग और ज़्यादा ब्राइट कर सकते हैं और ज़्यादा डार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मेरी सबसे ज़्यादा जो टारगेट है यही कि जो डार्कनेस लेवल है ना, वो डार्कनेस लेवल मुझे रेफरेंस से मैच करना है। जनरली क्या होता है ना कि मोबाइल में जो आप देखते हो तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट दिखता है, और वो कॉन्ट्रास्ट लेवल जो है हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि उस लेवल तक लेके जाएं जहाँ तक हमारा रेफरेंस है। और यहाँ पे हल्के हल्के सॉफ्ट हैंड से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट होने के साथ साथ अभी देख रहे हो कि हमारा राइट आई जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ चीज़ें जो फाइनल टच है वो अभी बाकी है, लेकिन हम लोग लेफ़्ट आई कंप्लीट करने के बाद ही हम लोग करेंगे, जैसे कि उसमें आईब्रोज़ हैं, आईलैशेज़ हैं, वो सब हम लोग करने वाले। और यहाँ पे हम लोगों ने सेम मेथड से यहाँ पे स्टार्ट किया, जैसे कि जो डार्क वैल्यूज़ है, डार्क वैल्यूज़ को पहले दे रहे हैं, और जो वैल्यूज़ देने के बाद इसके बाद हमें ब्लेंड करते जाएंगे, क्योंकि हमें क्या है ना कि फाइनल आउटपुट का वेट नहीं करना है कि हम पहले शेडिंग कर ले पूरा, उसके बाद हम ब्लेंड करेंगे। यहाँ पे क्या है ना कि हमें मैच करना है डार्कनेस लेवल जो हमारा रेफरेंस है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक जो भी हम लोग करेंगे ना, शेडिंग करेंगे, जो भी डार्क वैल्यू देंगे उसको हम ब्लेंड कर लेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि मैंने आपको बताया ना कि लेयरिंग करना मतलब क्या होता है ना कि कई सारे ग्रेड्स पेंसिल के होते हैं, और हमें डार्क टू लाइट की तरफ नहीं जाना होता है, हमेशा हमें लाइट टू डार्क जाना पड़ता है। जैसे 2B यूज़ किया, 4B, 6B, 8B, 10B। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और सबसे ज़्यादा जो डार्क पार्ट होता है वो है आईबॉल, तो आईबॉल को हम सबसे ज़्यादा डार्क देना चाहते हैं। और यहाँ पे आईलैशेज़ हैं, आईब्रोज़ हैं, तो इन सब पे हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है जब हम आई ड्रॉ करते हैं, तो क्योंकि ये सबसे प्राइमरी ऐसा लेयर होता है ना जिसमें हमारी नज़रें सबसे पहले आईज़ पे जाती हैं, तो हम टारगेट सबसे ज़्यादा हम आई पे ही करते हैं। और आई को हमें सबसे ज़्यादा टाइम दे के उसको एकदम आपको एक रियलिस्टिक टच जो होता है वो देना होता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी वेट करेंगे, और वो वेट कब तक करेंगे, जब तक कि हम फाइनल आउटपुट ना दें। और जैसे कि सारे और भी नोज़, लिप्स, ईयर्स वगैरह सारे जो कंप्लीट कर लेंगे तो एक फ़ाइनल टच देंगे। और यहाँ पे जो स्किन का जो शेडिंग है वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, और सबसे अच्छा मीडियम तो हमारा ब्लेंडिंग का यही है, टिश्यू पेपर। तो एक हल्का सा एक प्राइमरी लेयर देते हैं, आप HB पेंसिल से भी दे सकते हैं, और उसको आपको देना है टच। और यहाँ पे नोज़ जो हम लोग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक रियलिस्टिक टच देने के लिए ना सबसे पहले तो प्राइमरी लेयर तो सबसे पहले हमें देना ही है। और लाइट के अपोजिट साइड में अगर हम शेडो देते हैं ना, कॉन्टेक्ट थोड़ा देते हैं ना, तो और ज़्यादा इसमें एक 3D टच आता है, तो वहाँ पे जैसे भी आप देख रहे हो कि उसकी जो शेडो है नोज़ के नीचे है, अब वो जितना डार्क होगा तो उससे उसकी वैल्यू पता चलेगी, उसमें जो डेप्थ है वो ज़्यादा पता चलेगा। तो आपका जो नोज़ है ना वो एक पॉप आउट होके आएगा, जैसे कि वो दिखेगा कि हाँ एक कितना ऊपर की तरफ आया हुआ है। और ये शेडिंग जो है ये बेसिक लेवल का शेडिंग है, जिसमें बहुत ज़्यादा इसमें स्किन टेक्सचर या फिर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं मिला है। हम लोगों ने सिर्फ कोशिश ये की है कि इसको रेफरेंस से हम लोग मैच किए। और यहाँ पे आईब्रोज़ जो हैं वो हम लोग बना रहे हैं मैकेनिकल पेंसिल से। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो बिगनर्स हैं ना, बिगनर्स के लिए ये पूरा का पूरा डेडिकेट किया। और ये जो है ये आपका सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने आउटलाइन कंप्लीट किया था और सेकेंड पार्ट में जैसे हम लोगों ने आई और नोज़ ये दोनों हम लोगों ने कंप्लीट किया और स्किन। तो जिससे क्या होगा ना कि आपको बहुत ज़्यादा रैपिड जो वीडियो है ना वो नहीं मिलेगा आपको, कि एकदम फास्ट वीडियो नहीं मिलेगा। एक ही चीज़ों में आपको जैसे कि परोस के सब कुछ दे दिया जाता है वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको डिटेल मिलेगा। यहाँ पे एटलीस्ट आप लोग कर सकते हैं उसको। और ये जो है ब्रश, मेकअप ब्रश, उससे मैंने किया है सॉफ्ट यहाँ पे। और होपफुली ये ट्यूटोरियल आप लोग को पसंद आएगा, क्योंकि मैंने कोशिश ये की है कि एक जो बिगनर्स है ना तो बिगनर्स किस तरीके से स्टार्ट करें, क्योंकि उनके लिए क्या है ना कि बहुत ज़्यादा हम हाइपर रियलिज्म नहीं रह सकते, कि कुछ चीज़ें ना बाउंस हो जाती हैं। तो आप स्केचिंग तो कर लेते हो, शेडिंग कर लेते हो, लेकिन वो आउटपुट नहीं आ पाता है। उसका रीज़न यही है कि आपको थोड़ा बेसिक्स जो है ना, बेसिक्स पे ध्यान देना पड़ता है। जैसे अभी आप देख रहे हो स्किन जो है एकदम सुपर स्मूथ कैसे बनेगा वो सब मैंने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अभी लिप्स। लिप्स जो है एक वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मेरी टेक्निक थोड़ी डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है कि मैं जितने भी डेप्थ में चीज़ें होती हैं ना, डेप्थ में जितना भी है ना वो डार्क ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देख रहे हो अभी कि जितने भी डार्क हैं और दो चीज़ें जब कनेक्ट होती है ना तो वहाँ पे होता है कॉन्टैक्ट। तो जहाँ पे कॉन्टैक्ट होता है वहाँ पे डार्क ज़्यादा रखते हैं, और किनारे वाली चीज़ों को भी डार्क में ज़्यादा रखते हैं अकॉर्डिंग टू लाइट। तो आपको अगर पता है लाइटिंग के बारे में तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है, जो इसके टर्म में यूज़ कर रहा हूँ बाउंस लाइट, लाइट की लाइट और जितने भी कॉन्टैक्ट है, शेडो है, और ये सब चीज़ों के बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं एक ट्यूटोरियल ज़रूर लेके आऊँगा। और यहाँ पे देख रहे हो ना कि अभी मैंने जो लोअर लिप कंप्लीट किया है ना तो सेंटर पार्ट में मैंने ब्राइट रखा है और किनारे की तरफ मैंने डार्क रखा है। ये एक प्राइमरी लेयर हम लोगों ने बनाया है। सेम चीज़ हम लोगों ने किया है ऊपर की तरफ। ऊपर देख रहे हो ना, ऊपर मैंने शेड किया है ऊपर की तरफ, जैसे जैसे नीचे आ रहा है ना वहाँ पे मैंने ब्राइट छोड़ दिया। अब मैं ब्लेंड कर रहा हूँ टिश्यू पेपर से। और रिपीटेशन जहाँ पे ज़्यादा होता है ना, टिश्यू पेपर को आप करोगे, अगर आप वहाँ पे रब करते हो, वहाँ पे ब्लेंड करते हो तो डार्क होता है, और जहाँ पे कम यूज़ करते हो तो वहाँ पे ऑब्वियसली ब्राइट रहता है। तो सेम चीज़ हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। यहाँ पे देख रहे हो कि एक जो बेसिक लेयर है ना वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ एक ही पेंसिल हम लोगों ने कंप्लीट किया अभी तक। कंप्लीट पूरा वर्क जो है अभी तक 2B पेंसिल से ही हुआ है, क्योंकि हम आगे चल के और डार्क करने वाले हैं और ज़्यादा डेप्थ देने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि लाइट जो है ना सबसे पहले हिट किसको करती है, जो चीज़ें उभरी हुई होती हैं, जो इम्बोज कहते हैं ना, कि जैसे कि लिप्स है ऊपर की तरफ है, नोज़ ऊपर की तरफ है, उसके किनारे जो नीचे की जो लेयर होता है ना वो डार्क ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें शेडो आता है। सेम चीज़ हमारा चिन पार्ट जो है ना, चिन पार्ट में भी वही हुआ, क्योंकि ये लाइट के थोड़ा सा अपोजिट पार्ट में जाता है तो हम डार्क करते हैं। और हर गोल जो चीज़ें होती है ना तो जहाँ पे लाइट होती है ना उसके अपोजिट साइड में धीरे धीरे ना ग्रेजुअली वो डार्क होता है। तो सेम चीज़ हम लोगों ने लिप्स के नीचे भी किया है वहाँ पे, क्योंकि लाइट की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कम रहती है। और चिन पार्ट में भी हम लोगों ने वही किया है, और सिंपल एक टिश्यू पेपर से ब्लेंड किया है। इस पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्किन का टोन नहीं दिया यहाँ पे। और जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये बिगनर्स के लिए, तो बिगनर्स कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं 4B का। आप डार्कनेस से समझ गए होंगे कि यहाँ पे कुछ तो अलग है। तो ये अलग इसलिए किया गया कि हमें क्या करना है, अभी डिटेल करना है। डिटेल करने के लिए ना अकॉर्डिंग टू लाइट हमें काम करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने पहला लेयर बनाया था वैसा ही कुछ यहाँ पर कर रहे हैं। और अभी भी मैंने ना बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया नीचे की तरफ, क्योंकि वो बाउंस लाइट जो हमें इरेज ना करना पड़े। बहुत सारी चीज़ें हैं जो है ना वो हम टेक्निक के थ्रू ही कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है डिटेल की। डिटेल क्या होता है, जब हम लिप्स बनाते हैं तो लिप्स में कई सारे जो उतार चढ़ाव होते हैं, जहाँ पे लाइट हिट करती है ना तो एक अलग सा रिंकल्स आते हैं, जो हम अगर आप जूम करके देखिएगा ना तो आपको पता चले। कोई भी एक रेफरेंस लीजिए और उसको मैच ज़रूर कीजिए। अभी हम जो रेफरेंस लिया हम लोगों ने तो पूरा का पूरा लाइव है। और अगर आपके पास कलर रेफरेंस है ना तो उसको ब्लैक एंड वाइट बना लीजिए और उसको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट दीजिए। मोबाइल में भी कर सकते हैं, फोटोशॉप है आपके पास तो उससे भी कर सकते हैं। सेम चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे की। और ये करने के बाद ना आपके पास मेकअप ब्रश होना चाहिए। अब जब इस लेवल तक आप आ गए हो रियलिस्टिक वर्क की तरफ, तो हमें आ जाना चाहिए वहाँ तक और ये हमें कर देना चाहिए ब्लेंड। तो एक सॉफ्ट लुक जो होता है ना वो आ जाता है, एक बहुत प्यारा इफेक्ट जो है ना वो ये करके आ जाता है। और बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करना है आपको ब्रश को, सिर्फ हल्का सा। अब देखो, अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ डेप्थ के बारे में। और डेप्थ क्या होता है? डेप्थ ऐसी चीज़ें है ना जो दो चीज़ों को सेपरेट करती है, जैसे कि हमें फोकस किसको रखना है और डिफोकस किसको रखना है। अभी क्या है ना, फेस को हमें फोकस में रखना है, तो कुछ चीज़ों को जैसे मैंने यहाँ पे पीछे की चीज़ों को कर दिया ब्राइट सबसे किनारे। तो उसके बाद आ गया हेयर, और हेयर जब आ गया तो उसके ऊपर हमें करना है स्किन। अब जो हमारा पोर्ट्रेट है, फेस को हमें हाईलाइट रखना है, तो हम लोगों ने इसको रखा है मीडियम टोन में और पीछे की चीज़ों को रखा है, जैसे कि अब मैंने डार्क किया उसको रखा है डार्क, जिससे क्या होता है ना कि ऊपर की चीज़ें ज़्यादा फोकस में आ गई हैं। अब हम लोग करने वाले हैं हाईलाइट। हाईलाइट मीन्स कि हर वो चीज़ जो लाइट के कॉन्टेक्ट में जल्दी आती हैं, ज़्यादा आती है ना, उसको हम लोग करते हैं हल्का सा एजेस ब्राइट, क्योंकि उसके पीछे की चीज़ों को हमें डार्क दिखाना होता है। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो स्किन का जो एजेस है मैंने कर दिया है ब्राइट, जिससे कि वो सेपरेट हो जाए बैकग्राउंड से। ये एक सिंपल तरीका है करने का। और यहाँ पे अभी आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे अब पहला दूसरा लेयर कंप्लीट हो जाने के बाद फिर मैं कर रहा हूँ मोनो इरेजर का यूज़, जिससे कि आपको एक प्रॉपर एक कहते हैं ना कि एजेस, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि एजेस बहुत शार्प होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आई जो है, आई पे लाइट हिट कर रही है। और कल के दिन मैंने आपको बताया था कि ये जो हम लोग शेडिंग कर रहे हैं, ब्लेंडिंग कर रहे हैं, ये एक प्राइमरी लेवल का है, उसको हम डिटेल और ज़्यादा करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि क्या होता था ना कि पहले मैं क्या करता था, इनफैक्ट आप लोगों में से भी अब भी लोग बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, एच बी पेंसिल से या 2H पेंसिल से पूरे फेस को कर देते हैं प्राइमरी लेयर, उसके बाद धीरे धीरे करते हैं 4B 6B, और सब चाहते हैं कि एक साथ ही कंप्लीट करें, आई भी बन जाए, नोज़ भी बन जाए और लिप्स भी एक साथ ही बन जाए। लेकिन मैं आपको बोलूँगा ना कि आप एक एक पर्टिकुलर चीज़ों को पकड़ के कीजिए। अगर आप जैसे जैसे डेवलप हो रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, तो आई को कंप्लीट किया, फिर नोज़ को कीजिए, लिप्स को कीजिए, ईयर को कीजिए, फिर स्किन टोन कंप्लीट मैच कीजिए, फिर हेयर कीजिए, या फिर हेयर पहले भी बना सकते हैं। सबके अपने अपने तरीके हैं, अपना अपना टेक्निक है। तो यहाँ पे अभी जो स्किन है, नीचे का पार्ट, आई से नीचे का पार्ट हम लोगों ने कर लिया था। अब हम कर रहे हैं हेयर, क्योंकि जो स्किन का जो है मैंने आपको बताया था कि ये जो शेडिंग है, ब्लेंडिंग है, वो बहुत बेसिक लेवल का है और बिगनर्स के लिए है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया यहाँ पे, और बताया भी है कि बहुत कुछ टूल यूज़ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने टिश्यू पेपर यूज़ किया है। और बहुत हद तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये मैच हो जाए हमारे रेफरेंस से। रेफरेंस आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे लिंक पे जाके आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो डार्कनेस है हमें मैच करना है, मैच करने के साथ साथ ब्राइटनेस भी यूज़ करना है। अभी मैंने बताया ना आपको कि बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं किया, आई लैशेज़ बना लिए हैं, आईब्रोज़ बना लिए हैं। अभी के अगर मैं इसको हाइपर रियलिस्टिक की तरफ जाता था ना, तो इसको थोड़ा हाईलाइट करता था, मैं वाइट जेल पेन का यूज़ करता था, इसलिए कि वहाँ पे ना हेयर जो बहुत ही शाइनी होता है और लाइट के कॉन्टेक्ट में आके उसके कुछ पोर्शन जहाँ पे लाइट हिट होती है ना वहाँ पे ब्राइट होता है। तो सेम चीज़ अगर मैं करता था हाइपर रियलिस्टिक, तो आई लैशेज़ को मैं थोड़ा सा ब्राइट रखता था। तो ये चीज़ें जो हैं आप भी अमल कर सकते हो अगर आप इसको एक्स्ट्रा अलग लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करना चाहता, क्योंकि बिगनर्स भी बहुत सारा जो बिगनर्स हैं वो देखने वाले हैं ट्यूटोरियल, और उनको कहीं ऊपर से ना निकल जाए, पहले ही बॉल बाउंसर ना पड़ जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे उनको प्ले करने के लिए गेम पहले जो हल्के हल्के बॉल दे के खिलाऊँ, फिर अगली बॉल फिर उनके लिए ज़्यादा बेहतरीन होगी। तो उनकी पारी जो है मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे आगे बढ़े। तो यहाँ पे देख रहे हो चिक पे जो शेडो आया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको देना चाहिए हमें, इसलिए देना चाहिए क्योंकि हेयर जो है, हेयर आप फ्लोटिंग तो नहीं होगी ना, उसकी शेडो कहीं ना कहीं आएगी और वो शेडो हमें देना चाहिए। जो मैंने दिया है ना उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसको टिश्यू पेपर से हल्का सा ब्लेंड कर सकते हो, जो क्योंकि शेडो जो होती है ना थोड़ी ब्लेंड होती है, यही एक पहचान है, क्योंकि सब कुछ ग्रे में होता है, हेयर भी ग्रे में है, शेडो भी ग्रे में है। तो कैसे डिफ्रेंशिएट होगा, हेयर होगा शार्प और जो उसका शेडो होगा वो थोड़ा ब्लर। सेम चीज़ हम लोगों ने किया नेक पे, कि ज़्यादा फोकस करने के लिए, क्योंकि फेस को ज़्यादा फोकस करने के लिए मैंने नीचे का पार्ट जो नेक है वहाँ पे कर दिया डार्क, इसलिए कि शेडो ऑब्वियसली वहाँ पे शेडो आएगी, फेस की जो शेडो है वहाँ पे गिरेगी। और हेयर में बहुत ज़्यादा डिटेल मैंने नहीं किया है, मैंने फोकस किया पूरा का पूरा आई, नोज़, लिप्स पे। और एक और नया चैनल मैंने स्टार्ट किया ड्राइंग बेसिक्स बाय अभिषेक, उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। YouTube पे जाके आपको टाइप करना है स्केचबुक बाय अभिषेक, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। चैनल ओपन होने के बाद आपको कई सारे वीडियो दिख जाएंगे, तो उस वीडियो में से कोई भी एक वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद उसमें आपको दिखेगा एक टाइटल बार, जहाँ पे उसका टाइटल होता है, जैसे यहाँ पे डे 1 वगैरह लिखा हुआ है, ड्राइंग फॉर बिगनर्स लिखा हुआ है। उसके जस्ट नीचे आपको एक ज्वाइन बटन दिख जाएगा, ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे जो कि अब तो 29 रुपीज़ से भी आ चुका है। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है ज्वाइन बटन और उसमें आपको पेमेंट कर देने के बाद आप एक्सेस कर सकते हो वीडियोज़ को। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।